मैं सोनिका इंस्पायरिंग वीमन सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मेरे साथ हैं चंदा बरुआ जी, जो एक सिंगर हैं, कंपोजर हैं और जो ट्रेनिंग भी देते हैं म्यूजिक की। तो कौन कौन सी मूवीज में उन्होंने गाने गाए हैं, कौन कौन सी मूवी का उन्होंने म्यूजिक कंपोज किया है, आज उनसे जानते हैं उनकी लाइफ की इंटरेस्टिंग जर्नी के बारे में। और बहुत ही ट्रेवलिंग का शौक उनको है, कहाँ कहाँ वो अभी तक घूमे हैं, उनकी हॉबी है ट्रेवल करना और इस दुनिया को अपने नजर से देखना। तो चंदा जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इंस्पायरिंग वीमन सीरीज में। नमस्कार। थैंक्स ए लॉट फॉर हैविंग मी। तो आपके साथ बात करके मेरा अपना बोल बोल के मैं बहुत बोलने के लिए जो मौका आपने दिया है इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक्स ए लॉट। थैंक यू मैम कि आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम आपकी लाइफ की जर्नी को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू दिखा सकें। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपके बचपन से शुरू करते हैं मैम, आपके चाइल्डहुड डेज के बारे में थोड़ा सा बताइए। बचपन कैसा बीता है आपका, एज ए गर्ल आपकी अपब्रिंगिंग कैसी रही है? अच्छा, मेरी बचपन बहुत ही खूबसूरत था। मेरा एकदम बचपन मैं नॉर्थ बंगाल में बिताई थी। नॉर्थ बंगाल में इवनिंग दार्जिलिंग, आप जानते होंगे दार्जिलिंग। तो वहाँ का जी एटमोसफेयर बहुत ओपन था, हिल बहुत खूबसूरत, नेचर में मैं बड़ी हुई हूँ। तो मैंने 4 साल की उम्र से मेरा म्यूजिक सीखना शुरू किया। मैं मम्मी इज ए म्यूजिक टीचर, तो 4 साल की उम्र से मुझे म्यूजिक में लगाया है। स्टडीज तो चलता था लेकिन मेन म्यूजिक था। और शैतानी बहुत बदमाशी करती थी क्योंकि वो नॉर्थ बंगाल के जो बच्चे होते हैं ना, तो थोड़ा सा नॉटी टाइप के बच्चे होते हैं, शैतानी होते हैं। या फिर बचपन बहुत सुंदर ओके खूबसूरत बीता। सिर्फ एक ही, मेरी जी मम्मी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट म्यूजिक, तो वो चीज था। बहुत ज्यादा सीरियसली मुझे म्यूजिक सीखना शुरू किया था बचपन से ही। उसके बाद नॉर्थ बंगाल से मैं कलकत्ता शिफ्ट हुई जब मैं क्लास 8 स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। तो तभी मैं कलकत्ता आई हूँ। तो वहां पर आके फिर जी मेरा स्टडीज, जैसे क्लास 8 आई टोल्ड यू, तो उसके बाद मेरा म्यूजिक जो ट्रेनिंग शुरू हुआ है अभी तक मम से लेके दूसरे गुरु के पास मुझे मम्मी ने डाला, क्योंकि शैतान थी तो मम्मी का इतना पकड़ने में नहीं आ रही थी। तो दूसरे गुरु जो थे डॉक्टर संतोष मुखर्जी, तो बहुत वो भी नेशनल अवार्डी म्यूजिक कंपोजर है, तो उनके पास मुझे डाला गया था। क्लास 8 से मैं उनके पास सीख रही थी और स्टडीज चलता रहा साथ साथ ओके में। तो फिर वो उनके पास जी मैं बीमी बैचलर ऑफ म्यूजिक किया, मास्टर ऑफ म्यूजिक किया, संगीत भास्कर, संगीत विशारद, ये सब कंप्लीट किया जब मैं उनके पास थी। तो मतलब ओके ग्रेजुएशन जब तक मैंने कंप्लीट हुआ, बैचलर ऑफ साइंस मैंने एजुकेशन किया है, और उस टाइम पे मेरा मास्टर सब म्यूजिक में मेरा सब हो चुके थे। मास्टर ऑफ म्यूजिक, एवरीथिंग इज डन इन म्यूजिकली। जी ये था ओके मेरा। मैम, बचपन में एज ए गर्ल कोई चैलेंज इस तरीके का फेस किया है? कल्चरल बाउंडेशन जिनको हम बोलते हैं कि लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो क्या आपके बचपन में इस तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन आपने देखी है? यस, देखी है। एक्चुअली नॉर्थ बंगाल में मैंने क्लास 7 तक जब स्टडीज था, तो गर्ल्स और बॉयज का उतना डिफरेंस नहीं होता। तब तो मैं फ्री थी, सब कुछ ओपनली सब। लेकिन कोलकाता आने के बाद जब मेरा मतलब थोड़ा सा म्यूजिक शुरू हुआ है, बाहर परफॉर्म करना शुरू हुआ है, रिकॉर्डिंग में थोड़ा बहुत जाना शुरू हुआ है, तब से मुझे थोड़ा थोड़ा रिस्ट्रिक्शन महसूस होने लगे। थोड़ा नहीं, काफी, मेरे घर में से थोड़ा सा ज्यादा ही हो रहा था। मेरा पापा वॉज वेरी कंजर्वेटिव। बंगाली फैमिली में होता है जो फादर फिगर होता है ना, थोड़ा सा उसका बहुत स्ट्रिक्ट, उनके ओके पूरा घर उनके उसमें चलते हैं बातों से। तो पापा वाज वेरी मच कंजर्वेटिव। म्यूजिक इज ओके, तुम घर में बैठे जी सीखो, प्रैक्टिस करो, एवरीथिंग फाइन, बट परफॉर्मेंस आउटसाइड आउटसाइड योर होम, इट्स नॉट दैट मच, मतलब उतना ज्यादा उसको सराहा नहीं जाता था। बट माई मदर इज सो मच इंटरेस्टेड, यू नो माई मदर इज ए टीचर, म्यूजिक म्यूजिक टीचर। तो मम्मी मुझे लेके लेके करवाती थी जरूर, परफॉर्मेंस में लेके आके बैठे थे, बैठी रहती थी, मेरा प्रोग्राम होता था फिर मम्मी लेके आती थी, ऐसे करके मम्मी कोशिश करती। लेकिन रेस्ट्रिक्शन तो महसूस किया मैंने एट होम ऑल्सो, बाहर तो उतना नहीं मैं बोल नहीं सकती, लेकिन घर पे तो मैंने किया था रेस्ट्रिक्शन। मम्मी के वजह से मैं उसको कंटिन्यू कर रही थी, मम्मी मुझे लेके जाके कर पूरा पाए। पूरा कर पाई। ओके मतलब पहले स्टेज उतना फाइट नहीं करना पड़ा मुझे, मम्मी फेस किया सब कुछ, मैं करते रही। हाँ, ये था कुछ।
बचपन की बातें। जब माँ साथ देती है तो माँ सामने खड़ी हो जाती है और बच्चे की ताकत बन बिल्कुल जाती है। बिल्कुल सही बात कही बिल्कुल। आपने। आपकी हॉबीज क्या क्या है मैम? मेरी हॉबीज तो बहुत सारे हैं। म्यूजिक तो मेरा हॉबीज नहीं है, वो मेरा पैशन है, मेरा लाइफ है। वो उसको छोड़ के आई लव स्विमिंग, ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा मतलब हॉबीज में मुझे ओके ट्रैवलिंग। जी और आई एम ए मैराथन रनर आल्सो, तो 10 किलोमीटर्स मैं रन कर चुकी हूँ। वाओ, तो वो रनिंग प्रैक्टिस करना, जिमिंग, स्विमिंग, ये सब कुछ मुझे पसंद है। ट्रेकिंग करना, ये सब चीजें साइड बाय साइड चलता रहा। जी फिटनेस लवर है आप, आपको देख के भी आप इतने फिट लगते हैं। ओके मैम, तो थैंक्स जैसे अलॉट। आपने बताया कि 4 साल की उम्र में ही आपका इंट्रोडक्शन हो गया था म्यूजिक से, म्यूजिक में, तो हाँ आपको यस। काफी सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी आप प्ले कर लेते हैं, तो कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप प्ले कर लेते हैं मैम? यस यस। सबसे अच्छे तरीके से जो बजा सकती हूँ वो है तानपुरा हारमोनियम, जो बचपन से बजा रही हूँ। 4 साल के उम्र से बजा रही हूँ हारमोनियम एंड तानपुरा। उसके बाद धीरे धीरे जी ऐड होते गए। थोड़ा बहुत मैं गिटार सीखा था, प्रोफेशनली नहीं बजा सकती हूँ, बट अपना कंपोजिशन करने के लिए, खुद का वो करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए मैं उतना हो सकता है। और कीबोर्ड बजाती हूँ, कीबोर्ड बजाती हूँ। ओके और तबला मैंने बचपन में सीखा है, मतलब तो ट्रेनर आके घर पे सिखा जाता है मुझे तबला, तो ये भी बचपन से मैंने सीखा तबला। तो और बस इतना ही, गिटार थोड़ा सा आता है, सितार भी थोड़ा सा ये कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे क्लासिकल आता है, तो नोट मैं बजा सकती हूँ। है नहीं सितार अभी घर पे, इसलिए उतना प्रैक्टिस नहीं है, बट आई कैन प्ले सितार ऑल्सो। यही है, जी इतने सारे ओके। जैसे आप इंस्ट्रूमेंट एक सिंगर हैं, आपने बंगाली मूवीज में कई गाने गाए हैं और हिंदी मूवीज में भी कई गाने गाए हैं, तो बंगाली तो मुझे नहीं आती है एक्चुअली, नहीं तो मैं आपसे बंगाली मूवी के गाने भी हम लोग सुनते। तो हिंदी मूवी में आपने कितने गाने दिए मैम? हाँ, एक्चुअली पहले मैं सिंगिंग की बातें करूंगी, क्योंकि आई एम कंपोजर ऑल्सो। तो सिंगिंग मेरा सबसे पहले बंगाली मूवीज में मेरा गाना शुरू हुआ है प्रोफेशनली, जो ओके प्लेबैक सिंगिंग जो बोलते हैं, प्लेबैक सिंगिंग मेरा स्टार्ट हुआ है। पहला मूवी मेरा था चीता, जो मिथुन जी मिथुन चक्रवर्ती एंड रंभा उनका हीरो हीरोइन वो थे। ये मेरा पहला चांस था, जो जिसने गाना था सोमवारीते होलो देखा, वो गाना सुपरहिट हुआ था। मतलब बहुत वाओ सालों तक अभी भी वो गाना चल, बहुत थोड़ा पुराना हो गया, लेकिन अभी भी लोग सुनते हैं वो गाना। एक तो वो मूवी था। उसके बाद सेकंड मूवी जो है, जो गाना भी हिट हुआ था मेरा, उसका नाम है शाप मोचन। उसमें जीशु सेनगुप्त तो हीरो था, जो काफी सारे हिंदी मूवीज करते हैं। आप मैंने बहुत सारे जी बर्फी से लेके काफी सारे मूवीज में वो जीशु सेनगुप्त तो हीरो है। तो उसमें वो हीरो था जीशु सेनगुप्त, उस गाने भी मेरा हिट हुआ है। ये मेरा दो बांग्ला गाना था। तब तक मैं बॉम्बे में काफी अच्छे से सेटल्ड थी, तो इसके वजह से मैं जी तो उतना फोकस नहीं कर पाई बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में। लेकिन आज मेरा ओके मेन मेन जो पैशन था मेरा, कंपोजिशन, म्यूजिक कंपोज करना, म्यूजिक डायरेक्शन करना, तो वो धीरे ओके धीरे मैं इधर चालू कर दिया, इधर काम शुरू हो रहा था मेरा। तो इसलिए बंगाली मूवीज में उतना फोकस उसके बाद नहीं किया। जी अब हिंदी हिंदी मूवीज जो मेरे, पहले तो एल्बम की बातें कर लूँ मैं, फिर बाद में मूवीज की बात करती हूँ। मेरा 4 बंगाली जी एल्बम रिलीज हो चुके थे मैं हिंदी जी हिंदी इंडस्ट्री में आने से पहले। ओके, तो ओके वो उसके बाद मेरा हिंदी एल्बम आया। पहले सबसे पहला मेरा जो एल्बम था वो माता के ऊपर, शेरो शेरा वाली माता के ऊपर था, जिसमें मैंने ओके विनोद राठौड़ जी, मोहम्मद अजीज जी, मतलब इन लोगों को गाना गवाया था एज ए म्यूजिक डायरेक्टर। अब मैं तो खुद तो गाना गाई थी। वो इसका एल्बम का ओके नाम था तेरे नाम की चुनरी। तो ये है, मैं जी आपको आई कैन सी यू, सो दिस वन माय फास्ट, मतलब लाइफ का फास्ट हिंदी एल्बम जो है, जिसका म्यूजिक डायरेक्शन मेरा था। ठीक है, ओके ये जी इसके बाद काफी सारा एल्बम आया, कुछ सोलो भी एल्बम था, कुछ ऐसा एल्बम आते, लेकिन मेरा मेन फोकस हिंदी मूवीज पे गए। जी तो हिंदी मूवीज में पहला मेरा जो काम किया था, वो मूवीज का नाम है ये कैसे परवरिश, जिसका मैंने बहुत ओके अच्छा, ये 4 सॉन्ग था उसमें। मैंने उदित नारायण ने गाना गाया था, उदित नारायण की जो दीपा नारायण ने गाना गाई थी, और काफी सारा राजा हसन, ये सब काफी सारे सिंगर्स उसमें थे अच्छे। लेकिन मूवी मेरा पहला मूवी जो है अभी तक रिलीज नहीं है, रिलीज ही हुआ नहीं। मुझे सेकेंड ओके मूवी जो चांस मिला था उसका नाम है परफेक्ट प्लान, उसमें भी म्यूजिक डायरेक्शन मेरा ओके था, वो रिलीज है। अब यूट्यूब में परफेक्ट प्लान सर्च करने से मेरा गाना मिल जाएगा,
उससे मेरा रेजिग्नेशन है। थर्ड मूवी जो मेरा रिलीज है वो है अनन, मूवी का नाम है अनन, इट इज ए थ्रिलर, उसमें अननोन, चार, ओके हाँ अननोन, वो उसमें चार सॉन्ग था। सो मीन्स उसका जी बैकग्राउंड स्कोर भी मैंने किया है, मैं बैकग्राउंड म्यूजिक भी करती हूँ, एक पॉइंट है मैं बाद में बताती हूँ। ये अननोन ओके मूवीज में मैंने बैकग्राउंड भी किया था, ऐसा चार सॉन्ग वो भी रिलीज है। उसके बाद मेरा एक आरवी एंड हिंदी बाइलिंगुअल मूवी आया था, उसका नाम है अंता जी फजीला, अंता फजीला से ओके अरबी एंड हिंदी बाइलिंगुअल, उस पर भी बैकग्राउंड स्कोर प्लस सॉन्ग मेरा है, वो आके गए। अभी ओके एक अभी आने वाले एक मूवी रिलीज होने वाला है, उसका नाम है प्रतिघात, ओके प्रतिघात ये आने वाला है, क्योंकि ड्यू टू लॉकडाउन 2 साल कोई रिलीज नहीं हुआ ना, मूवी खत्म होके बैठा हुआ है, वो इज वेटिंग, तो अभी वो मार्केट लेगा, मतलब अभी वो रिलीज होने वाला है। अभी इसको रिलीज होने वाली है। ये ओके है अभी तक की जर्नी मूवी का, तो जी होप आगे तो काम करूंगी और भी, अभी शुरू हुआ है। ओके तो आपकी जो यस शुरुआत हुई है गाने की वो बंगाली मूवी से हुई है। हाँ ओके तो यस धीरे धीरे फिर आपने हिंदी मूवीज में भी काम किया है। तो आपने आपको कितनी लैंग्वेजेस आती है मैम? बहुत ज्यादा तो नहीं आती है बंगाली, ड्यू टू आई एम ए बंगाली तो बंगाली आती है, थोड़ा बहुत असमीज जी आती है, और यहाँ जी पर हिंदी में काम किया, हिंदी आती है, वो भोजपुरी आती है, भोजपुरी आती है, मैथिली हाँ आती है, भोजपुरी मैथिली मैथिली भी जो आती है। मैथिली जी है, पंजाबी आती है, थोड़ा बहुत कुछ गाना गाई हूँ पंजाबी के लिए, और ओके मराठी आती है थोड़ा बहुत, साउथ की कोई लैंग्वेज नहीं आती, मराठी भी थोड़ा बहुत आती है, गुजराती भी थोड़ा थोड़ा बोल लेती हूँ, बस इतना है, ओके इतना बहुत अच्छी बात है मम्मी। आपने कुछ भोजपुरी है। मूवीज में भी काम किया है तो यस उनके कुछ बारे में भोजपुरी थोड़ा में, सा बता दीजिए मैम। जी भोजपुरी मूवी तो जब वो हिंदी से भी पहले वो बीच में आया था, जैसे जैसे बंगाली से मैं ट्रांजिशन कर रही थी ओके हिंदी की तरफ, तब भी बीच में भोजपुरी कुछ काम किया था, जो अभी हाँ यूट्यूब में सब अवेलेबल है, तो उससे उतना तक बात नहीं जी करना चाहूंगी भोजपुरी मूवीज के बारे में, क्योंकि है यूट्यूब में बट उतना, वो एक ट्रांजिशन पीरियड में थोड़ा सा किया है मैंने, मूवीज है और ओके एल्बम कुछ ओके गुड नाइस सॉन्ग इज देयर, कुछ वेरी गुड जी कंपोजिशन भोजपुरी में है, जब हिंदी में आने से पहले मैंने किया था। अभी जी साउथ का कर रही हूँ, एक मलयालम मूवी का मैं म्यूजिक डायरेक्शन कर रही हूँ वाओ, लेकिन तो बोलना उसका नहीं नाम आता है मैं, नहीं वो बताना बोलना नहीं, क्योंकि वो चाहेंगे लैंग्वेज भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बट कंपोजिशन मैं कर सकती हूँ, बैकग्राउंड भी आप? मैं ओके करूंगी। म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं, वाह बहुत अच्छी बात है जी मैम। तो अभी तक आपने कितने सॉन्ग्स कंपोज किए हैं, कितने सॉन्ग्स में आपने म्यूजिक कंपोज किया है, कुछ आइडिया एक्चुअली है स्पीक आपको? एक्चुअली स्पीकिंग मुझे मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन बहुत बहुत बहुत, क्योंकि चार एल्बम जो बंगाली एल्बम रिलीज है उसमें तो एक एक एल्बम में 8 सॉन्ग हुआ करता था, याद है 8 गाना होता था जी एक एल्बम में, बिल्कुल अभी वो चल नहीं रहा है, अभी तो सिंगल चल रहा हाँ है, वो एक ही गाना ट्रेंड खत्म खत्म हो गया जी। हो गया, तब भी तो 4 एल्बम में कितने सॉन्ग्स गए, उसके बाद मूवीज, हिंदी का भी काफी सारा एल्बम है, जैसे इसमें मैंने जब आपको दिखाया इसमें कितने सॉन्ग्स है, बहुत सारा गाना है, इसमें भी 8 गाना है, जो पहले पहले हिंदी एल्बम में उसमें भी ओके ऐसे ही होता हाँ था, उसमें तो काफी उसके बाद गाने जो होते हैं। चार जो मूवी रिलीज है उसमें भी 2 मूवी में 4 4 सॉन्ग है, एक में एक है, एक गाना है, मतलब काफी हो गया अभी तो, मतलब अराउंड 50 के आसपास, 50 50 60 ऐसे तो होगा जो रिलीज है, वाओ जी अनरिलीज बहुत सारा काम किया हुआ है मैंने, वो नाम लेके फायदा नहीं है, क्योंकि रिलीज जब तक नहीं होता है ना, आई कैन टेल इट ओके दैट, ये है कंपोजिशन के। जी मैम बहुत अच्छा आपने काम किया है। अब तक इतनी सारी मूवीज में आप सॉन्ग दे चुके हैं, गाना गा चुके हैं, म्यूजिक कंपोज कर चुके हैं। ओके आप एक क्लासिकल सिंगर हैं जिसमें आपने यस ट्रेनिंग ली है, तो क्लासिकल में काफी सारे फॉर्म्स होते हैं जैसे ख्याल, ठुमरी, दादरा, कजरी, होरी, भजन। तो आप कितने फॉर्म्स में गाना गाते हैं मैम, आपको कितने यस फॉर्म्स दैट्स आते हैं? अ नाइस क्वेश्चन एक्चुअली, आई एम अ क्लासिकल ट्रेंड सिंगर, माय गुरु है शोभा बुर्टू जी, ठुमरी सम्राज्ञी जी किया जाता बोला जाता है उनको, तो उनके पास से मैंने ठुमरी दादरा कजरी ये सब सब कुछ जो सेमी क्लासिकल हुआ करता है वो सब सीखा है, और प्योर क्लासिकल मैंने सीखा सीखा है सरस्वती बाई रानी, उनके पास जी जो किराना घराना का जो मेन जो सिंगर्स है एक्चुअली उनकी सरस्वती बाई रानी, उनके पास मैं प्योर क्लासिकल सीखती थी, ध्रुपद, जी भमर,
ख्याल, बड़ा ख्याल, छठा ख्याल, ये सब मैं उनसे किराना घराना का सीखा है। और जो लास्ट सेमी क्लासिकल है, शोभा गुट्टू जी के पास मेरा ट्रेनिंग है, तो सेमी क्लासिकल में बहुत सारे जोनर है, बहुत सारा। मैं कुछ सैंपल सुनाऊं आपको तो आपको जी बेटर समझ में बिल्कुल आएगा। बिल्कुल मैम, हम लाइव आपसे सुनना चाहेंगे। इवन मैं वही तो हाँ बहुत ही एक्साइटेड हूँ हाँ आपसे सुनने के लिए, वो कुछ जो दो भी लाइन आप लर्न सुनाना चाहें करके, मैम। दो बिल्कुल मैम, लाइन सुनेंगे ना, दो लाइन करके, तो आपको समझ में आएगा कितने सारे। जी मैम, आप हमें फास्ट, पहले बता दीजिए कि आप पहले क्या सुनाने जा रहे हैं। हाँ फास्ट मैं सुनाऊंगी। एक ठुमरी का दो लाइन सुनाती हूँ, ठीक है? जी मैम, पहले ठुमरी सुनते हैं हाँ, आपसे। ये शोभा गुट्टू जी का ही है, उनका ही सुनाती हूँ पहले दो लाइन। ये लिखा हुआ है, जी आपने सुना होगा कबीर, जो दोहा, कबीर का दोहा आपने सुना होगा, जो भजन लिखते थे ना कबीर कबीर जी जी, गए, मैंने कबीर के कबीर, बहुत सारे दोहे सुने हैं। हाँ, ये उनकी बेटी का लिखा हुआ है, बेटी का नाम है कमाली, उनका लिखा हुआ ओके सॉन्ग है। लेकिन कॉम्पोजिशन तो ये तो ट्रेडिशनल कॉम्पोजिशन है, लोगों को जुबानी जुबानी मैं बोल नहीं सकती किसका कॉम्पोजिशन है, लेकिन ऐसे ही है। बेगम जी अख्तर जी का डिसाइपल थे शोभा गुट्टू जी, उनका उनको भी उनके मतलब गुरु से सीखा हुआ है, मेरा भी गुरु से सीखा हुआ है। आप सुनिए थोड़ा सा, पहले मैंने ये सुनाती हूँ ठुमरी का थोड़ा दो जी लाइन, फिर मैम, भजन सुना भजन सुनाऊंगी। बोलिए। सैया निकस गए, मै ना लड़ी थी रमा, सैया निकस गए, मै ना लड़ी थी रामा, मैं ना लड़ी थी रामा, हो मैं ना लड़ी थी रामा, मैं ना लड़ी थी रामा, मैं ना लड़ी थी सैया निकस गए, मैं ना लड़ी थी ना कछु बोली ना कछु चाली, ना कछु बोली ना कछु बोली, ना कछु बोली ना कछु चाली, पाल चादर ओढ़ के पलना पे मैं पड़ी थी सैया, सैया मैं ना लड़ी थी। एक थोड़ा सा सुनाया तुमने का, एक भजन का थोड़ा सा सुनाती जी हूँ। जी बिल्कुल। जिम्हारे नैना गे रह जो जी, पिया जिम्हारे नैना गे रह जो जी, नैना गे मोहे रहने दो, नैना गे मोहे रहने दो, भूल मत मोहे जा जो जी, पिया जी म्हारे नैना गे रह जो जी, पिया जी म्हारे नैना गे
जा थैंक यू वाह थोड़ा मैम, ये मीरा जी बहुत ही का, मीरा खूबसूरती जी से का भजन आपने है। थैंक्स गाया जी। थैंक्स जी मैम, लाइव गाना मैं मान सकती हूँ कि बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन आपने कोशिश की और बहुत ही खूबसूरती से आपने उसको निभाया है, तो आप बहुत ही थैंक मीठी यू एक आपकी आवाज है और बहुत ही पैशन के साथ आप गाते हैं। जी मैम, ओके, तो अभी आप ट्रेनिंग भी देते हैं म्यूजिक की मुंबई में जहाँ पे आप रहते यस हैं, तो यस उसके यस बारे में थोड़ा सा बता दीजिए मैम कि किस एज के बच्चों को या फिर किस किस को आप ट्रेन करते हैं, किस तरह का म्यूजिक आप सिखाते हैं, और अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे कर सकता है। हाँ एक्चुअली मैं म्यूजिक ट्रेनिंग देती हूँ, एकदम छोटे जी बच्चों को नहीं, एकदम छोटे बच्चों को नहीं देती हूँ। जो थोड़ा जी सा थोड़ा सा सीख चुके हैं, कि बेसिक थोड़ा सा आता है सारे गुणों पर, ऐसे थोड़ा सा उसे पैशन है उस, तो मैं देखो एक तो क्लासिकल सिंग ट्रेनिंग करती हूँ, ठीक है, जी जिसमें मैं सेमी क्लासिकल जो मैं सुनाया इस टाइप का चीजें सिखा सकती हूँ। अगर प्योर क्लासिकल सीखना है वो तो मैं बहुत अच्छे से सिखा सकती हूँ, सेमी क्लासिकल का सारे फॉर्म सिखा सकती हूँ। और मैं और एक करती हूँ जो कमर्शियल सिंगिंग करना चाहता है, जिसको क्लासिकल नहीं गाना है लेकिन कमर्शियली गाना गाना चाहते हैं, चाहती है, तो बिल्कुल मैं ऐसे इस जो वोकल ट्रेनिंग देती हूँ वो अलग है, वो क्लासिकल नहीं होता जी है लेकिन वो उससे प्रोफेशनल वोकल ट्रेनिंग देती हूँ, वो भी करती हूँ मैं। वो ऑनलाइन, ओके पहले तो ऑफलाइन ही करती थी, तो घर पे मतलब मेरे म्यूजिक में फोर बैंगलोर पे एक जगह पे जाके सिखाती थी, घर पे भी सिखाती हूँ, लेकिन अभी तो जी थोड़ा ऑनलाइन भी क्लासेस करती हूँ, ऑनलाइन भी क्लासेस करती हूँ। अगर किसी को पैशन है सीखना है गाना, सीरियसली करना परस्यू करना चाहते हैं म्यूजिक, वो तो मैं ट्रेनिंग कर सकती हूँ, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो नंबर है 9757232377999, कोई भी मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉल अगर मुझे लगे जो इनको पैशन है सीखना चाहती है तो जरूर सिखाऊंगी। अभी तो कोरोना वायरस खत्म हो गया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बॉम्बे में तो ऑलमोस्ट नहीं है, जी तो बिल्कुल हम ऑफलाइन क्लासेस करना ज्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन दूर से कोई सीखना चाहते हो तो मैं ऑनलाइन भी सिखाऊंगी। जी, तो अगर किसी को भी म्यूजिक सीखना है या फिर क्लासिकल की ट्रेनिंग लेनी है तो वो मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आजकल बिल्कुल काफी बिल्कुल सारे रियलिटी शोज होते हैं जिसमें लोग जाते हैं ऑडिशन के लिए, तो आई होप आपसे बहुत सारे लोग कांटेक्ट करने वाले हैं। ओके मैम, तो ये तो हो गई आपकी म्यूजिक की जर्नी, जो भी आपने काम किया है। इन फ्यूचर आपके क्या प्लान्स हैं, अपने आप को कहाँ देखते हो आप आने वाले 4-5 सालों में, कोई प्लान किया है कि भाई मैं ये सब करने वाली हूँ। देखो प्लान तो बहुत कुछ है, प्लान बहुत कुछ है, कुछ फ्यूजन का को मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट है भी, मैं फ्यूजन का कुछ काम करना चाहती हूँ अच्छे से, और फिल्म इंडस्ट्री के में भी एक अच्छा जगह बनाना चाहती हूँ जो जिसमें अच्छे कंपोजिशन करें, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कमर्शियल सक्सेस, आई एम टॉकिंग अबाउट गुड ओके प्रोजेक्ट, जो गुड प्रोजेक्ट जिसमें जी मैं लगू, जो मैं रहू ना रहू मेरा काम रह जाएगा, मतलब कोई भी बाद में भी, बिल्कुल जैसे अभी भी हम सुनते हैं कितने अच्छे अच्छे रणदीप श्रवण जी का भी इतना अच्छा अच्छा म्यूजिक है, कब का काम किया है, लेकिन इतने आर डी बर्मन का कब काम किया, अभी भी हम सुन रहे हैं ना, अभी भी ढूंढ के उनका गाना सुनते हैं, एक दो काम ऐसा करना चाहती हूँ जो जिसमें लोग मुझे याद रखे, वो करना बाकी है मेरे, मुझे अभी बहुत चलना बाकी है अभी, लेकिन मैं आई एम ऑन द बिल्कुल वे राइट पाथ, कभी ना कभी और जरूर उस जगह पे पहुंचूंगी। प्लानिंग तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ करना है, जी लेकिन अभी मैम देखते हैं ऊपर वाला क्या चाहते बिल्कुल हैं। मैम, जब हम ओके, तो कभी लाइफ में ये क्वेश्चन का आंसर अगर आप ना देना चाहें तो कोई बात नहीं मैम, लेकिन ये क्वेश्चन मैं अपने आने वाले हर गेस्ट से पूछती हूँ ताकि दूसरी लड़कियों को भी एक क्या बोलते हैं, हिम्मत मिलती है अगर हम किसी से ये बात करते हैं कि आपकी लाइफ का सबसे डिफिकल्ट चैलेंज आजकल आज तक का क्या रहा है, या फिर डिफिकल्ट मोमेंट कौन सा रहा है जिसको डील करना बहुत मुश्किल रहा हो, तो अगर आप अपने डील करने के रास्ते उनको बताते हैं तो उनको भी हिम्मत मिलती है कि अगर आप इतनी बड़ी मुसीबत से अपने आप को निकाल सकते हो तो क्या पता वो भी निकाल सकते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ मैम कि आज तक का सबसे बड़ा चैलेंज या डिफिकल्ट मोमेंट कोई ऐसा रहा है जिसको डील करना बहुत मुश्किल रहा हो, और अगर रहा है अगर आप शेयर करना चाहें तो, और फिर कैसे उसको ओवरकम किया आपने। हाँ
मेरे लाइफ, सबके लाइफ में होता है ऐसे चैलेंजेस, मेरे लाइफ में भी था। जैसे 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 लगता है इट्स रोड ब्लॉक, मतलब जो अपना जी पैशन है, जो सपना है, वो आगे नहीं बढ़ सकता, ऐसे मोमेंट मेरे सामने भी आया था। तो आई एम ए मदर ऑफ टू सन एक्चुअली, ये बातें जी नहीं मतलब है, आई एम ए मदर ऑफ टू सन। तो अभी तो सब अलग बात है। जब ये मैं आई वाज वेरी पैशनेट एंड वेरी सीरियस अबाउट क्लासिकल म्यूजिक, तो रोज 7-8 घंटा मैं प्रैक्टिस करती थी, और एक गुरु के पास पुणे जाती थी सीखने के लिए, एक गुरु के पास बॉम्बे वाली। तो ये पूरा मेरा जो है ना, पूरा ये म्यूजिक में ही था। मेरे हस्बैंड का बहुत ज्यादा सपोर्ट था, इसलिए मैं बड़ा वाला बेटा होने के बाद भी मैं ऐसे टाइम्स म्यूजिक में देती थी। तो होल डे मैं पुणे में सीख रही हूँ, तब मैं प्रिपरेशन कर रही थी फॉर टेलीविजन ऑडिशन फॉर क्लासिकल, प्योर क्लासिकल म्यूजिक। ठीक है, तो ये मैं जी चल रहा था, मतलब बहुत ज्यादा डूबी हुई थी म्यूजिक में। तो सपोर्ट था, हस्बैंड का भी था, बड़ा वाला बेटा का भी, वो भी छोटा ही था लेकिन चल रहा था। तो इस टाइम पे मेरा जो सबसे बड़ा ये हुआ, मेरा सेकंड प्रेगनेंसी हुआ, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड ओके प्रेगनेंसी है। तो वो उस टाइम पे मुझे पूरा कंप्लीट प्रेगनेंसी पीरियड आफ्टर डिलीवरी मुझे बेड रिडन होके रहना पड़ा, बेड रिडन। म्यूजिक तो तब एकदम बहुत दूर, पहले तो मेरे जब शोभा गुट्टू जी को मैंने बताया, न्यूज दिया, जो मैं अभी थोड़ा नहीं कर पाऊंगी तो आना आना मुश्किल है। तो शी गॉट वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड शी स्लैप्ड मी, जे व्हाट यू हैड डन, ये क्यों ऐसा क्यों, इस टाइम पे ऐसा क्यों। तो मतलब शी इज ओके सो जब आपकी डिसअपॉइंटेड, प्रैक्टिस बिल्कुल पीक पे चल रही थी एकदम और एकदम है, आप तब भी बहुत अच्छा एकदम, कर रहे थे, तो तब तब भी आपके तभी, गुरु ने आपको स्लैप कर दिया। क्योंकि मैंने म्यूजिक बंद करना पड़ेगा ना ड्यू टू कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी, ड्यू टू कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी मैंने स्टॉप करना पड़ा, क्योंकि आई मुझे बैठने का भी ये नहीं था, परमिशन नहीं था। आई ऑलवेज बी लाइंग डाउन। तो इस टाइम पे मेरा वो ठीक है, तभी फिर घर पे बंद बंद हो गई मैं, वो पूरा 10 मंथ्स बंद। ठीक है, उसके बाद डिलीवरी वॉज कॉम्प्लिकेटेड, वो मैं वो, सिजेरियन बेबी था। तो फिर मैं उसके बाद म्यूजिक मतलब कॉम्प्लीटली साल से भी ऊपर एकदम क्लोज, मतलब जिस टाइम पे मैं थी, टीवी में ऑडिशन देना है, ये सब करना है, कॉन्सर्ट करती थी, तब कॉन्सर्ट करती थी, सब टाइम पे मेरे को बंद हो गया म्यूजिक अचानक सीखना। तब बन जाए एकदम डार्क, दैट इज द माई डार्केस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ, क्योंकि मैं म्यूजिक नहीं कर पा रही थी, और म्यूजिक कर नहीं पा रही थी। ठीक है, एक्चुअली मुझे पता है जो 2 दिन के बाद करूंगी, ऐसे बात नहीं है, कब कर पाऊंगी वो भी नहीं पता है, क्योंकि मुझे इतना तो पता है 10 महीना मुझे लेटे रहना है, उसके बाद आफ्टर डिलीवरी भी 3 महीने, तो सीजरिन के 3-4 महीने लेटे रहना है जो भी है। तो उसके बाद म्यूजिक मुझे, और उसके बाद मेरा गुरु हुआ सो डिसअपॉइंटेड विद मी फॉर दिस प्रेगनेंसी। तो फिर दैट इज द माई हार्डेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, मुझे लग रहा था बस म्यूजिक वॉज स्टॉप्ड देयर। तो इस माह से मैं भी कुछ कर नहीं पाई थी, सिर्फ डिप्रेशन के अलावा और कुछ नहीं था, सिर्फ डिप्रेशन में थी। तो उस टाइम से निकलने के लिए मुझे बहुत मतलब निकलना, मतलब कोई रास्ता ही नहीं था, मैं चाह कोई सोचा ही नहीं था। बहुत सालों तक वो थोड़ा सा मुझे उसमें से निकलने के टाइम लगा था, ठीक है, वो रोड पूरा कंप्लीट ब्लॉक था, ये सब हुआ। उसके बाद मेरे गुरु जी ऑफ हो गए, शोभा गुरु जी ऑफ हो गए, तो ओके और शुरू शुरू मतलब मैं कंप्लीटली स्टॉप माई म्यूजिक कुछ सालों के ओके लिए, और एक ज्यादा बार आपकी प्रॉब्लम्स एकदम बढ़ एकदम गई, तो एकदम एकदम मैं वापिस दैट इज से फिर द आपने, जी वापिस से फिर आपने रीस्टार्ट कैसे किया, म्यूजिक में वापिस से एंट्री कैसे करी? हाँ, ये एक मतलब जैसे ये बोल सकते हो कि ऊपर थोड़ा सा कुछ डेस्टिनी होता है। तो कुछ मतलब मैं तो प्योर क्लासिकली म्यूजिक ही करती थी और कुछ नहीं, बस उसी में थी। उसके बाद म्यूजिक स्टॉप, कोई भी म्यूजिक नहीं। उसके बाद अचानक मुझे ये कुछ लोगों से ये हुआ, जो मुझे कमर्शियल म्यूजिक में थोड़ा पुश करने लगे, जिसमें राइटर थे कुछ, जी जिंगल वगैरह वो लोग करते हैं, तो फिर वो लोगों ने पुश किया। तो ठीक है, क्लासिकल तुम्हारा ब्रेक हो गया, लेकिन तुम यू कैन डू द कमर्शियल थिंग, यू कैन कंपोज म्यूजिक स्टिल। ये करके कई सालों के बाद वो रास्ता फिर, पैशन वॉज देयर, जो मुझे अंदर वो आग था, जो मुझे आग थी, सॉरी मेरा हिंदी बहुत माशाल्लाह। तो फिर वो करना है ये, लेकिन कोई रास्ता नहीं था, बस सब स्टॉप कर दिया था अंदर तो, लेकिन थी ना। तो दी कभी जो थोड़ा सा मौका मिला है, थोड़ा सा भी जो भी है, तो वहां पर फिर से, लेकिन रास्ता थोड़ा चेंज हो गया, थोड़ा फॉर द टाइम बीइंग मैंने क्लासिकल से मूव करके थोड़ा कॉमर्शियल
काम शुरू किया थोड़ा बहुत करके, फिर थोड़ा धीरे 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 मौका भी मिला मुझे, मौका भी मिला, तो उस हिसाब से मुझे लगता है जो डेस्टिनी था, जो मैंने ऐसे सोचा था, मेरा क्या लाइफ प्लानिंग क्या था, मैं कॉन्सर्ट करूंगी, टीवी में गाऊंगी, सिर्फ क्लासिकल गाऊंगी, दैट वॉज माई मिशन, दैट वॉज माई प्लानिंग, लेकिन वो ओके स्टॉप के वजह से मेरा रास्ता चेंज होके कॉमर्शियल की तरफ आ गया। म्यूजिक ही है बट वो क्लासिकल, पूरा क्लासिकल के बगैर मैं कुछ नहीं देख सकती थी, लेकिन अभी कॉमर्शियल ओपनिंग हुआ जिससे मैं कंपोज कर रही थी थोड़ा सा, लेकिन कुछ सालों के गैप के बाद ये सब हुआ, ये फिर धीरे धीरे मैं कमर्शियल करी, फिर काफी सालों के बाद मैं क्लासिकल को भी साथ पे फिर से खींचना शुरू कर दिया, एक दो करके कॉन्सर्ट करना ये सब शुरू क्योंकि किया। क्लासिकल का जो है हम कहेंगे कि एक तपस्या की तरह होता है, वो उसमें आपको कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है कि आपको हर रोज बहुत वो सीखना है, हर रोज आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये जो बिल्कुल आपका टाइम पीरियड था इसमें गैप आ गया, तो बिल्कुल, आपकी कई वो जो सालों के गैप आ ट्रेनिंग थी, गया वो जो हाँ वो जो प्रैक्टिस थी वो बंद हो गई, तो आप वापिस से एकदम नहीं जा सकते थे, आपको वापिस था। से बिल्कुल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो ये काफी मुश्किल बिल्कुल, रहता है। मुश्किल मुश्किल हुआ था, लेकिन डेस्टिनी बिल्कुल की, ऊपर वाले की मेहरबानी है, मैं फिर ऑन द ट्रैक हूँ, अभी अभी कमर्शियल उसके साथ ऐड हो गया है, पहले सिर्फ क्लासिकल था, अभी कमर्शियल ऐड है तो ये तो है, वो भी जो जी डार्केस्ट टाइम यही था मेरा लाइफ का, जो मैंने, मुझे कुछ पता नहीं था मैं क्या करूं। ओके। अगर कोई सिंगर बनना चाहता है, क्लासिकल ट्रेनिंग लेना चाहता है, तो उसको आप क्या सलाह देंगी कि किस किस तरह की तैयारी वो कर सकते हैं और किस तरीके से उनको इस चीज की शुरुआत करनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं बोलूँ, किसी को भी सिंगिंग करना है और जिसमें थोड़ा बहुत टैलेंट है, मैं बोलूँ सिंगर, सिंगर बनाया नहीं जा सकता है, सिंगर जी बनाया नहीं जा सकता, ये जो वोकल कॉर्ड, जो वॉइस जो है, ऊपर वाला की देन होते, जिसके पास होती है उसको ट्रेनिंग करके तुम पॉलिश कर सकते हो, उसको बना सकते हो, तो अगर जिसको टैलेंट है, ऊपर वाले की देन है, तो उसको ट्रेनिंग चाहिए, मैं जी बोलूँ सब कुछ छोड़ के वो तभी एकदम प्राइमरी स्टेज पे कमर्शियल या प्रोफेशनल की तरफ देखना नहीं। आजकल आप देखते होंगे छोटे छोटे बच्चों को शो, स्टेज शो को करवा कर एकदम घिस जाते हैं वो लोग, मतलब वो ट्रेनिंग नहीं होता है ना उनको, अच्छा वॉइस है बिल्कुल चलो गाओ, ये शो पे एक के बाद एक रियलिटी शो के नाम पे हो रहा है, उसके बाद वो स्टेज परफॉर्मेंस पैसा मिलता है, तो वो लोग उसमें घुस जाते हैं, लेकिन प्रॉपर जो ट्रेनिंग जी होता है जो लोग, वो सब उनको होता नहीं है। तो मैं बोलूंगी अगर आपके अंदर टैलेंट है, जो सीखना चाहते हो और उस जगह पे नाम करना चाहते हो, तो आप ट्रेनिंग लो, उसके बाद बहुत प्रॉपर जी ट्रेनिंग लो, जिस लाइन पे जाना, अगर क्लासिकल गाना क्लासिकल ट्रेनिंग लो, अगर कमर्शियल सिंगिंग कर रहा तो फिर कमर्शियल की तरफ सिंगिंग, लेकिन ट्रेनिंग इज जरूरी है, ट्रेनिंग बिल्कुल करके एक जगह ऐसे बनाना पड़ेगा, तब जाके आप कंपटीशन में उतर सकते हो ना, इट इज वेरी कॉम्पिटिटिव स्पेस है, कोई किसी बिल्कुल को 1 इंच जगह नहीं छोड़ता है, तो आपको अगर वो करना है तो आपको बहुत रिगुलस ट्रेनिंग का जरूरत है, प्रैक्टिस जरूरत है, और पैशन, बहुत ज्यादा पैशन होगा तो फिर वो स्ट्रगल कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई भी आर्ट की लाइन पे, कोई भी हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे कोई भी आर्ट की लाइन पे सक्सेस पाना बहुत स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल है, थोड़ा स्टडीज करके एक जॉब मिलना आसान बिल्कुल है, लेकिन नहीं, ये इस पे सक्सेस पाना कोई भी आर्ट लाइन पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल, अगर पैशन इतना स्ट्रांग होगा तभी आप वो झेल सकते हैं, जो स्ट्रगल का जो तकलीफ है ना वो झेल सकते हो, अगर पैशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो बोलो अपने आप के भीतर अंदर का आग जला के रखो और ट्रेनिंग करो और सपना देखो और सपने को साकार करने की कोशिश करो, यही सबके लिए मैं बोल सकती हूँ। बिल्कुल बहुत ही स्ट्रोंग आपने एक बात बताई है कि आर्टिस्ट बनाए नहीं जाते, वो अलग होते हैं थोड़े से हम लोगों से, भीड़ से थोड़े से अलग होते हैं, इसीलिए लोग उनको इतना पसंद करते हैं। और अगर उनको तराश दिया जाए और अच्छे से, तो वो और भी ज्यादा खूबसूरती से अपनी यस बातों को रख यस सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात बताई है आपने, बहुत अच्छा सेशन रहा मैम आपके साथ, काफी इंस्पायरिंग था। लास्ट में मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से आप बाकी विमन को क्या मैसेज देना चाहेंगी मैम? बाकी वुमेन सबको मैं एक ही बात, सारे जो फीमेल सबको एक ही बात करना चाहती हूँ, कुछ करना चाहिए, सबके अंदर कुछ ना कुछ गिफ्ट है, यूनिवर्स की तरफ से सबके अंदर कुछ ना कुछ गिफ्ट है, सबके अलग अलग गिफ्ट होगा लेकिन है अंदर कुछ ना कुछ, तो उसको पहचानो बिल्कुल और उसको पैशन के साथ फॉलो करो, फॉलो कर ले, हाँ काफी कभी टाइम पे सक्सेस नहीं आता, नहीं आता नहीं आता, लेकिन दैट इज अ पर्पस ऑफ लाइफ, अपने पर्पस ऑफ लाइफ एक बिल्ड करना चाहिए सबको,
अपने पर्पस ऑफ लाइफ को पहचानो और उसके पीछे जी जान लड़ा दो। और हम लेडीज है, हम माँ बनते हैं, सब कुछ है, हम बेटी है, माँ माँ बनते हैं, वाइफ है, सब कुछ है, लेकिन खुद क्या है? खुद तो कुछ लेके आए हो ना, तो वो आग को जला के रखो और बढ़ाओ उसको, फॉलो करो उसको, भागो उसके पीछे। ये मैं बोलना चाहती हूँ ये सबके लिए। ये काफी लोग खुश हो बिल्कुल जाता, चलो मैं बेटी थी, बीवी बनी, अभी माँ हो, बहुत सब कुछ है। दैट इज नॉट योर पर्पस ऑफ लाइफ। सबके अंदर कुछ गिफ्ट है, उसको पहचानो और उसको फॉलो करो। कुछ तो करने के लिए सब आए हैं हम इस दुनिया में। बिल्कुल। और कभी कभी तो लगता है कि मतलब हम लोग समझ ही नहीं आता कि हमारी लाइफ का पर्पज है क्या। हम लोग कभी ये करते रहते हैं, कभी वो करते रहते हैं, लेकिन जिस दिन आपको अपनी लाइफ का ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाता है, जिस दिन पर्पज समझ में आ जाता है, उस दिन आप उसके पीछे मतलब जब आपको टाइम का पता नहीं चले कि इस काम को करने में आपके 12 घंटे निकल गए या 16 घंटे निकल गए हैं, उस काम में इतना मन आपका लगता है, तो समझ लो वो चीज आपके लिए ही बनी है। तो अपने पैशन को फॉलो करते रहिए, अपनी लाइफ को खूबसूरती से जिए। चंदा जी, बहुत अच्छा सेशन रहा आपके साथ, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आपने दिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को आपने डिजाइन किया है। एक सिंगर, एक आर्टिस्ट जो होते हैं, बहुत ही तपस्या उनके पीछे, बहुत ही हार्ड वर्क रहता है उनके उनकी लाइफ के पीछे, जो हम नहीं देख सकते हैं। हमें बस उनकी मीठी सुरीली आवाज सुनने को मिलती है, या फिर खूबसूरती, जो एक एक आर्टिस्ट में एक अलग ही खूबसूरती होती है। कोई सिंगिंग भी करता है, या फिर कोई डांस करता है, या फिर कोई खूबसूरत पिक्चर जो बनाते हैं, तो हम लोग उनकी खूबसूरत आवाज को देख सकते हैं, ना कि उसके पीछे के हार्ड वर्क को। लेकिन वो सब वहीं से निकलता है, जब आप इतनी तपस्या के बाद किसी काम को इतनी बिल्कुल शिद्दत से करते हैं, तो वो और ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। तो ऐसे ही अपनी लाइफ को खूबसूरती से जीते रहिए मैम। बहुत जिंदा दिल है आप, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो इसी के साथ आज चंदा जी से विदा लेते हैं, और फिर मिलेंगे आपसे एक नई रियल सक्सेस स्टोरी के साथ। तब तक आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।